तो सबसे पहले आपको शादी मुबारक। सलामत। गाइस तो हम जा रहे हैं जुनेद भाई की शादी में, तो अभी हम तरनोल में 26 नंबर पे तरनोल तला तांजो सर गोदा थिया तांजो सिंधिया चो ता ता तो सिंधिया ना ना मुंजो सिंधी ना मुंजो बल्तिया ना जो दोस्त है एक बार ट्रे शादी थी हो किया एक बार ट्रे सिंगल थी Finally, we are heading towards Gohat, and here we have Talha bhai. He is driving, and with the wife. तो गाइस ये जो इलाका है इसका नाम है जी जंड जंड जंगल है जो भी हाँ जंड जंग है जो भी हो ना हाँ जो भी हो ठीक है तो ये जी मशहूर है मूंगफली के लिए मूंगफली के लिए हाँ वो इतने ज्यादा मूंगफली है ना यहाँ पर वो आप नजर आ रहे वो जो तो येलो येलो कलर के ना वो सारे मूंगफली है हाँ बहुत ही मजा आ रहा जी मजा अच्छे तो तांजो हल्को मजा अच्छे तो फुल मजा अच्छे तो डाडो मजा अच्छे तो ये जी ये मोटरवे ए सी पे कौन सा मोटरवे यार ये शंग्रीला मोटरवे ये शंग्रीला मोटरवे जी ये जाते हैं गोहाट तक जा रहे जुनेद भाई के घर तक जाते हैं ना हाँ घर के अंदर से जाते हैं ये जी ट्रक ट्रक कहते हैं ना इसको ट्रालर है यार ये अभी हम जा रहे जी बारात के साथ है ना ले बारात इसके साथ जा रहे हैं ना कहाँ जा रहे हैं बारात के साथ हम जा रहे हैं गोहाट गोहाट जा रहे हैं हाँ अच्छा फिर गोहाट से कहाँ जाएंगे तारा भाई गोहाट से हम जाएंगे लाची जुनेद भाई के लाची हाँ तो फिर वहाँ जाएंगे लाची और इलायची खाएंगे इलायची नहीं होता ले यार लाची है लाची क्यों बोलते हैं पता आपको इसके पीछे नहीं नहीं ये असल में ना एक लालची इंसान था अच्छा सही बता रहा हूँ सुनी ले सही सही तुम्हें इस बात का आंसर हाँ लालची इंसान था वो जा रहा था ये जगह तो पहले डिस्कवर नहीं थी अच्छा फिर इस किस्म के दरख्त आ रहे थे ना अब इस दरख्त से अगर तुम इसके पत्तों को खुशबू करोगे तुम्हें इलायची की खुशबू आएगी अच्छा ये लिटरली मैं तुम्हें दिखाऊंगा उतरोगे ना इसके पत्तों से मैं शीशे से निकालता हूँ नहीं नहीं उधर से आप थोड़ी बहुत आ रही मेरे प्यारे भाई तो लालची इंसान ने यहाँ पे ये पत्ते देखे तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ इलायची की खुशबू है बिल्कुल तो दोनों को कंपोजिशन के साथ में एक नाम बन गया लालची लालची और इलायची समझ रहे हो हवा आती गई उसको फिर खटक इलाका हो गया कपड़ा फिर वहाँ पे खटक लोग आने लगे ठीक है तो एक पूरा एक बड़ा सा कबीला निकला आप इलाका देखें कितना प्यारा है हाँ यार बहुत प्यारा ये देख आप देख सकते और अभी आगे आपको मिलाते जी हम दुल्हा भाई से सो लेट्स सी तो सबसे पहले आपको शादी मुबारक सलामत तो आप लोग इसका बात आप खुद सुनते और सुनते रहे तो आप लोगों को मालूम है इसका उम्र है 9 साल और इसने 13 साल का लड़की के साथ शादी की है Okay. तो आप लोग इसके साथ खुद बात करो आए? जी तू छोटी उम्र में शादी के था सही गोर मजबूरी से जी नाजरीन इसका घर में मजबूरी था अच्छा तालीम का क्या खान तालीम में हम दूसरी क्लास तो ये देखिए आप देख सकते जी दूल्हा है जी ये हमारा दूल्हा जी है ये देख रहे तुम लोग छुप छुप के पी रहे यार सो गाइस फाइनली बारात के बाद हम आए जी वापस और यहाँ पर हम स्टे किया हुआ है जी काफी सारे लड़के यहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ पर है जी दुल्हा मतलब यहाँ पर ना मिलने नहीं देते ना रुख्सती के बाद 7 दिन तो वेट करते हैं हमारे ये सच में ये पठानों में रिवाज है अच्छा शेख शेख उधर उधर क्या दिन होते हैं 14 दिन था हमारे पास हाँ हमारे पास एक 3 दिन सिर्फ बैठ जाते हैं 3 दिन लीग में जाते हैं फिर वापस आते हैं ये सोएब वाले सराइकी ये किस हाँ सोएब उधर क्या होते हैं मुल्तान में जब तक बच्चे नहीं होता तब तक बच्चा कैसे हो जाएंगे उधर हुंजा में क्या सीन होते हैं हुंजा में नहीं शिकर की बताता हूँ शिकर की तो मैं बताता हूँ ना
जब तक बच्चे नहीं होता तब तक मिलने नहीं देते। हाँ उसामा, उसामा एक मिनट यार, तो सीन ये है कि अभी हमने यहाँ पर ना धूप में बैठने के लिए जगह बना रहे हैं। ये तकिया है जी, ये अब सुकून से यहाँ पर बैठेंगे थोड़ी देर धूप में। ये जो आपको पौधा नज़र आ रहे हैं, ये जी इंजीर का दरख्त, आपने नाम सुना होगा इंजीर और खाया भी होगा, यूज़ किया होगा, जो कि किलो का 2500 के बिकते हैं ना। फिर 17,000 किलो का बिकते हैं। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं जी, ये छोटे छोटे चीज़ें नहीं, ये क्या है, इंजीर है ये। अभी अभी छोटा, अभी तो फिलहाल छोटा, अभी से तैयार हुआ ही नहीं है। और मौसम आप देख सकते हैं जी, धूप भी है। और ये हमारा यहाँ पर हमने रात को स्टे किया था, इसको क्या कहते हैं जगह को, सराया, सराया कहते हैं। एक होते हैं ना गांव में, एक होते हैं और मेहमान वगैरह जो जिसके घर में भी आते हैं उनको यहाँ पर ठहराए जाते हैं। और धूप भी काफ़ी अच्छी खासी धूप है और यहाँ पर मज़े से वाइटामिन डी ले रहे हैं सारे बैठ के। गाइस, तो आज है जी वलीमा और यहाँ पर लड़के तैयार हो रहे हैं। उसामा भाई है और शेख भाई अभी तैयार रेडी हो रहे हैं। तो चले आपको ना, ये जी ये कमरा, यहाँ पर हमने रात को स्टे किए थे, सराय कहते हैं इसको। और अभी हम आपको मिलवाते हैं जी दुल्हा भाई से। बाकी यहाँ पर आज मस्त धूप निकली है ना, ये आप देख सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जिनेद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है आप सुनाए। और जिनेद भाई क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई लोग सब शादियाँ कर लो, शादियाँ कर लो। अरे यार सेफ भाई, यार आप क्या कहना चाहते हैं यार? मैं जी कहना चाहता हूँ बस बड़ा मजा आया इधर आके, चाचा ही डड मजा आयो। हाँ हमीद भाई, हाँ मजा आया, मजा आया। हाँ रहीम भाई, रहीम भी तो प्यारे लग रहे हैं। वैसे तो सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन कल रात बहुत मजा आया। रात को क्या हुआ था ऐसा जो? ये मैं बता नहीं सकता सबको। अच्छा अच्छा, सही सही, आपको चले ठीक है। अब ये निकलते हैं। हाँ तला भाई, बहुत मजा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत मजा आया, जुनेद भाई को बहुत बहुत मुबारक हो उसकी शादी की। और मेरा भी आ सकते है ना, आपका भी आ सकता है क्या? हाँ क्या होगा उसका तरीका कार? तो आप लोगों को उधर आना पड़ेगा ना, शिखर आएंगे ना सब, ठीक है इंशाल्लाह। यार तो मैं ना, नहीं तो ये ना उधर अब्बू बोले तुम भी आए हो, तुम्हारी भी शादी करा देते हैं। उस टाइम ना मस्त मौसम होगा, ठीक है, वैसे भी वहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों की शादी भी होगी और साथ फिर वो सरफरंगा, क्या नाम है, सरफरंगा डेजर्ट तो जाओगे वहाँ, तो वो तो रास्ते में ही आते हैं ना, गुजर के फिर आप शिखर पहुंच। नहीं तो रात को गुजार सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। हाँ गुजार सकते, टेंशन लगा के हाँ कैंपिंग कर सकते, बोन फायर कर सकते हैं वहाँ पे, यहाँ तो नहीं हुआ। हाँ तो आज जुनेद भाई की शादी है, शादी नहीं रहो वली भाई। दुल्हा भाई हेलो, देख कितना खुश है यार, इस मैन मैन बस यार आप शादी का अभी यहाँ पर जी वेटिंग चल रही जी खाने का, तो लगवाना उसको बस भाई चला रहे हैं। गाइस सो फाइनली खाना पीना हो चुका है जी, और तल्हा भाई अभी तक खा रहे हैं क्योंकि अभी 3 घंटे का अभी मस्जिद हुआ है ना, ये अभी 3 घंटे अपने वो करना है ना, इसी वजह से ड्राइव करनी यार, खाना खा के फिर अभी निकलना है क्योंकि 3 घंटे लगे करना तल्हा भाई, 3 घंटे हाँ 3 घंटे। और हमारे साथ वापसी पे शेख भी जा रहे हैं, शेख भाई भी। और हमीद क्या कह रहे आप? और शेख भाई ये आपको साग कैसे लगे? साग ये साग है कि वो है, ये साग है कि वो दूसरा है, पालक, पालक है ये सिंधी में इसको बोलते हैं छनमा, शबस्ती। अच्छा हमारे जुबान में हम इसको छनमा बोलते हैं, सिंधी में छनमा, हाँ छनमा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शबस्ती। हाँ मेथी पता नहीं इसको, इकड़ो ना इकड़ो शबस्ती, इकड़ो निवाला, इकड़ो चबाई, चबाई एक हजम हजम बात थी। ये देखिए जी हमीद ने इतने माल्टे खाए, और मैं आपको दिखाता चलूँ कि शेख ने कितने माल्टे खाए। शेख कितने माल्टे खाए? माल्टे पसंद है आपको? संतरे शेख आपको संतरे पसंद है? कौन से संतरे, कौन से संतरे? तो यहाँ पर जी हमारा खाना चल रहा है, ये आप देख सकते हैं।
अच्छा तो बाहर धूप खाइए तो सोचते भाई खाना खाए तो अभी चलते हैं बाहर धूप। हाँ अमजीत चलें बाहर चलें चल आ जाओ। क्या छपशोरों? यार छपशोरों के अंदर जो है ना याक का गोश होते हैं होते। सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं जी वापस और अभी टाइम क्या हुआ है तला भाई? 3:50। तो आप क्या कहते हैं कि कितना टाइम लगेगा? मैं जितने ज़्यादा कोशिश करूँगा 3 घंटे में पहुँचा दूँ। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल तो ये जी अभी आप देखते हैं कि सूरज भी ग्रुप होने को है और सामान सामान सब हमने पैक कर लिए और साथ में बाकी जो यार वैसे रोड ज़बरदस्त है ना अभी यहाँ पर तो सही है देखो व्लॉग में ना। अबे यार हमें कैसे पता और देखो यार कितने ग्रीन फील्ड्स है वाह और ऊपर से सनसेट यार क्या बात है। मेरा तो दिल कर रहा नहीं इधर बैठ के ना तस्वीर शस्वीर लेके जाने का। क्यों अमित क्या कहते हैं जल्दी जाना है हमें जल्दी अबे बस अब जल्दी जाके क्या करना है यार हमें। अच्छा अच्छा उल्टी हो रही है अबे जबान अच्छा अच्छा अब जी यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज लिखा हुआ था कि हुजूर सल्लम पर आपने 10 दुरूद आपने पढ़ने तो रहमान रहीम अब आप सभी पढ़ने ठीक है ये बहुत अच्छी मैसेज है। किस चीज़ का? व्यूअर्स को भी बोल दो क्या? हाँ व्यूअर्स अगर आप देख रहे हैं ना तो आप भी 10 सलावत पढ़ के ना फिर आप आगे वीडियो को आप कंटिन्यू करके देखें ठीक है। और ये जी आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सीन क्या अच्छा ये देख सकते हैं। अच्छा अच्छा बिल्कुल छोटे छोटे हाँ हाँ सिटी में पेड़ को क्या बोलते हैं? झींगा। नहीं नहीं झींगा नहीं यार झींगा तो समंदर से निकालते ना। अच्छा अच्छा पढ़ेंगे जी असर की नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद में और इंशाल्लाह फिर इसके बाद डायरेक्ट जी निकलते हैं सही है। तो जी यहाँ पर हम पहुँच गए पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर हम रुके हुए। इसको 150 तक लेके जाने का सोच रहे हैं। नहीं भी चलान होगा भाई। हाँ ना हम एक अच्छे शहरी हैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। अच्छा यार तला भाई ये एक दो गाड़ियाँ जो आती है ना सामने से वो फुल स्पीड में आते और साथ में लाइट डिम भी नहीं करते यार पहुँचाओ थोड़ी खबर लोगों में अवेयरनेस शेयर करो आप लो बीम यूज़ करें हाई बीम यूज़ ना करें। हाँ यार एटलीस्ट मतलब जब सामने से गाड़ी आ रही है तो डिम तो करनी चाहिए ना उनको लाइट बिल्कुल। और आप बताएं आपको कैसा फील हो रहा है सब यार? मुझे एक टाइम पे तो मुझे फुल डर लग गया था सच बताऊँ तो। मैं अमित की तरफ देख रहा था ना वो जम लग रहे थे अचानक से ब्रेक लगी थी अचानक आँख खुलने एक दफा तो मैं सो गया गाड़ी में ही वो तो शुक्र है चाय की वजह से आँख खुल गई है ना। चाय कैसी थी? हाँ चाय तो बहुत अच्छी थी यार मज़ा आया। हाँ ना मज़ा आया। बाकी हमीद भाई से मुझे कैसा लगा? हाँ हमीद भाई यार हाँ यही निकल आया दोस्तों के साथ टाइम गुजारा और यहाँ
यहाँ से अभी हमारे जी आगे कितना इस्लामाबाद तक है जी, बाद में वीडियो पास करके देख। टाइम क्या हुआ है शेब भाई? 7:10 यार। तलहा भाई ने जिस स्पीड से चलाया ना, मज़ा आया भाई। हाँ ना यार, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था कि हम 7:10 तक पहुँच जाएंगे यहाँ पर। शिक्री भाई डर रहे थे यार, डर तो बीच बीच में मैं सो गया था ना, एक दफ़ा जब ब्रेक लगाई ना तो मेरी अचानक आँख खुल गई ना, और सामने ट्रक नज़र आया मुझे, मैंने कहा भाई यार लबस खैर है। हाँ ना, बीच बीच में थोड़ा हो गया था, लेकिन अभी सही है भाई। हाँ मतलब सफ़र को समझ करो, क्या यार सफ़र ना बहुत मज़ा क्या है, मज़े का है ना, और जाते हुए भी आते हुए भी ना, और बहुत ही मतलब कंफर्टेबल। और बाकी आपकी ड्राइविंग में माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपके साथ ट्रेवल कर रहा था, क्यों अमित? हाँ आप क्या कहना चाहते हैं? मज़ा आ गया ना, सेफ ड्राइविंग? हाँ सही है, ड्राइविंग सही की है। अच्छा 10 में से आप कितना इसको रेटिंग देंगे ड्राइविंग को? 10/10। हाँ सही भाई, आप यार जबरदस्त चलाया यार, रेटिंग आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग है? यार आउट ऑफ 10 में 10 ही है। हाँ मैं भी, मेरी तरफ से भी ना मैं 10/10 दूंगा, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइविंग है। और फाइनली वी आर रीच इस्लामाबाद, ये आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर यहाँ से अभी तलहा भाई यहाँ रुकेंगे, और हम कैसे जाएंगे यहाँ से आगे सोएब भाई? इन ड्राइव, हम अभी इन ड्राइव से जाएंगे। यार मैं तो किसी मेट्रो से जाते, क्या ख्याल है? नहीं इन ड्राइव से जाते हैं ना, इसको मेट्रो पे भेज। चलो अच्छा अच्छा, मेट्रो से मेट्रो पे उतार देंगे उधर। हाँ ठीक है, मसला नहीं है। और जुनैद भाई के लिए कोई आप पैगाम देना चाहो तो? जुनैद यार, जुनैद भाई के लिए बस हम दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। पास अब टाइम नहीं है, ठीक है, अल्लाह देखने का सही है, होगा ना साथ देखेंगे हम, अकेले देखेंगे जुनैद भाई। हाँ ना, ये भी शुभकामनाएं उसकी। हाँ यार बस मजा आ गया, मजा आया बहुत, उन्होंने अच्छा सब कुछ हमारे लिए। हाँ ना यार बिल्कुल, सही है यार, बड़ा मजा आया शेर भाई से, सामा भाई से। मुझे नाम लेना दो ना, अच्छा और कुछ भी रहता है शायद। और अमजद भाई, अमजद भाई तो यार, अमजद भाई अकेले अकेले वर्क कर रहे थे ना, काम होगा यार, मसरूफ हो गया। मैं अमजद अहमद की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हो? मैं तो अमजद अफरीदी की बात कर रहा हूँ यार। वो भी था, वो तो लोनली फिर रहे यार लाहौर में, लोनली फिर रहे। सबने बहुत काम कर दिया, उनकी अपनी लाइफ ज्यादा होती, जॉब हम सब जॉब के लिए। फिर सहेब भाई ने आज रात जॉब करनी है, मैंने भी कल करनी है, बिल्कुल। अगर चलो सैक्रिफाइस करना पड़ता है क्योंकि मौके बहुत कम कमाते हैं, मतलब देखो अभी 9-10 महीनों बाद हमारा कहीं रीयूनियन हो रहा है जहाँ हम रोज मिलते थे, तो उसके लिए थोड़ा सा कुर्बानी शुक्रानी हमने दी है। नींदें नहीं की 2-3 दिनों से, ऐसे ही है, ड्राइव कर रहे हैं, कभी क्या किधर जा रहे हैं किधर। संजानी टोल प्लाजा। और जी शिकरी भाई, आप कब शादी कर रहे हो यार? यार मेरा तो इंशाल्लाह घर वाले करेंगे तो अगले साल, नहीं तो इधर देखे ना। आप बोल रहे यार, देखो वो डिपेंड करते ना घर वालों के ऊपर ना, अब घर वालों पे क्यों करता है? घर वाले अगर करेंगे तो मैं करूँगा। तुम्हें पसंद हुई भी है? घर वाले ने कर, तुम्हें पसंद आई भी है? यार पसंद तो करेंगे ना, पसंद करेंगे गाँव का। नहीं नहीं, गाँव करोगे ना, गाँव में अरेंज मैरिज होती है, ठीक है। हाँ अरेंज खाली क्या सीन है मेरी? इसी तरह जुनैद भाई खुद कह रहा था ना कि अरेंज मैरिज है, तो इसी तरह गाँव में भी यही होते हैं। हमारे आजमी नहीं है हमेशा ही ऐसा हो, अब घर वाले जाके देखते लड़की, और फिर कहते भाई यार मेरे आपके लिए वो क्या, हमने कहा ठीक है फिर मसला नहीं है। अच्छा ये वाले फिर अभी जा, अभी कब जा रहे हो घर? अभी तो इंशाल्लाह मेरा जनवरी के आखिर में जाना, पसंद करके आना ना। पसंद तो इंशाल्लाह करेंगे, आप भी मुझे बताना, कमेंट में बताना। जरूरी तो नहीं आप गाँव से करो यार, सक्कर से कोई कर लो यार, मतलब यार सक्कर आई भी नहीं।